आँखा खोल तो आप अपनी
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करुण सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपीनाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज स्वाम बीज कुमारी श्यामायुग पल पल करुणाम पल पल करुणाम। इनके बच्चे हैं जरा
मच्छाजी कपाई ऐसी विचित्र है, करण ऐसा गहरा है, हकीकत में इस तक पहुंचना बहुत कठिन है। कोई नम्रता को सुहागन बना रहा है, नम्रता एक गुण है, नम्रता सुहागन ना था न है न होगी। पहले सबसे ये विषय क्यों आया, किरंतन ग्रंथ एक ऐसा है जिस जिस जगह पर स्वामी जी गए और जो जो वस्तु सामने आई वहां से मोमनों को निकालने के वास्ते ही वाणी का प्रादुर्भाव वहां पर हुआ, लेकिन लिंक बंधा हुआ है, उसे टूटा नहीं। अभी ये भी सुनने को मिला कि 12 मोमिन गए थे, असफल आए, वो दोबारा जरा सुंदर साधितों को पढ़े। मोमनों को आदेश हुआ था जाके पैगाम देना है, और वो पैगाम दे करके रूब रूब बातें करके औरंगजेब के सामने आए पूरी सफलता के साथ, और बड़े बड़े काजी जो दावा लेकर के बैठे थे, शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, सब काजियों में सबसे बड़ा काजी था, पार्लियामेंट में सबसे ऊंचा स्थान था, उसका सिर झुकाया मोमनों ने और उन्होंने स्वीकार किया। बरहक बरहक इमाम मेहंदी दुनिया में आ गए हैं, तो सफलता और किसको कहते हैं? अगर कोई नहीं मानता तो इसका मतलब है असफल रहे ना। आज इतने दिनों से चर्चा चल उठी कि कृष्ण से कुछ मतलब ही नहीं है, किन प्रणामियों ने माना, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वाणी या वाणी सुनाने वाले असफल है, वो सफल है। वो कचड़े में से आत्माओं को निकालने के वास्ते ये साहिब जाहिर होते, और जब तक साहिब को सारे लोग साहिब मानेंगे नहीं, वो फिर तो भाई याद कर लेना, सब दुनिया मिलती एक ठोर, और फिर सारी सुहागन कहलाएंगी अपने आप को जब साहिब बना लेंगी। जो गहरी बात है उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करते, नम्रता चल पड़ी तो नम्रता को सागर बना के रख दिया। क्या परमधाम से नम्रता ही? कौन सी चीज दुनिया में नहीं थी नवदा से और चौदह भवन में, ना ये चीज दुनिया में नहीं थी जो इस चीज को लेके पतिव्रता सुहागिन बन जाएगी, तो सुहाग कौन देगा? साहेब की सुहागिन नार को बनना, देवी देवतों को छोड़ना, राम कृष्ण की पूजा को छोड़ना, वो सुहागिन नार, बाकी वैश्या नार। जब एक पति को पूजोगे तो 20 को पूजोगे, ये है सुहागिन का अर्थ। और सुहाग किसने देना है? नम्रता ने सुहाग देना है। पता नहीं इस बार मैंने अभी अभी चपही दिए, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सीधा नैनीताल से आ रहा था, मैं सुन के हैरान हो रहा था भाई इस बार हो क्या गया, ये तो सारी लाइन ही पटरी से उतरी पड़ी। तो भाई पकड़ी, सुहाग दिया किसको? पत्नी को के उसके गुण को। जब हम सुहागन बनते हैं तो हमारे गुण अवगुणों का सुहागन सुहाग हमें पति देता है कि हमारी पत्नी स्वीकार करता है हमें। सुहाग दिया साहेब ने और कामरी सुहाग। अब यहाँ फकीरी कंबल कामरी बनाए करते हैं, तो कंबल का पति प्राणनाथ है, ये शरीर इसको कामरी कहते हैं। लेकिन अब सुहागनी बनना क्या है, जो आज दिन तक दुनिया में कोई बना नहीं, गुण गाते फिर रहे नानक धन सुहागनिया। कौन सुहागनिया? जो दुनिया के धर्म पंथ पेंडे छोड़कर, मैके रीति को छोड़कर जब लड़की फेरे लेकर के पति के बनती है, और मैके से रिश्तेदार से मामा से चाचा से नाना से कट जाती है, तब सुहागन बनती। जिस दिन वो चाहे परमधाम की आत्म है चाहे कोई भी है, क्या उस समय सारे मोमन ही ब्रह्म सिद्धि थे स्वामी जी के साथ जिनको फकीरी लिबास बनाया गया? कौन कहता है? कौन कहता है 3000 की जमात पन्ना जी पर केवल 500 ब्रह्म सिद्धि थी और 1500 ईश्वरी सिद्धि थी और 3000 जीव सिद्धि थी, और जीवों ने वो कुर्बानी की होगी जो मोमन डर गए होंगे और जीव आगे निकलते होंगे। तो सागन कौन बने?
देवचंद जी स्वागत नहीं बने, अंदर तो ले लिया स्वागत को, लेकिन हिंदू बने के दायरे में बंद रहे, इसलिए स्वागत नहीं करा। खुल के अर्थ क्यों नहीं करते? रूह अल्लाह तहरी अंदर पर हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? हिंदुओं के बारे में बंद रहे। परम धाम से न हिंदू आए थे न मुसलमान थे। कृष्ण को पूजने वाले तो परम धाम की बौद्धी तक भी नहीं जा सकते। कबीर रख लेके खड़ा है, वो कह रहा है राम मरे और रावण मरे, मर गए कृष्ण और कंस, जो इन मुर्दों का पूजन करे उनका डूबे वंश। कबीर की वाणी सुनने के लिए कलेजा चाहिए तो दुनिया पार ब्रह्म की वाणी कैसे सुने? इसलिए इस वाणी को सुनना बड़ा दिल चाहिए। किसका दिल चाहिए? जो सारे मैके खानदान को छोड़ते तभी तो खसम की बने, वो हमने छोड़नी। हमने श्रीयों की पूजा की, जैसे हम ही सुनना चाहते गुरुओं के शरीरों के जयकार प्राणना जी को जानते। कोई बाबा दयाराम को मानता है उनके मिलने में चले तो बाबा दयाराम दयाराम कौन आया समर गया, परम धाम में कोई बाबा दयाराम नहीं, अंधे बने रहेगा कोई, उनको क्या मिलना है? बाबा दयाराम एक बेकनम था, उनके अंदर केसर भाई थी, वो पिया के पास है। तुम बाबा दयाराम की मट्टी को पूछते रहो, कौन आंखें खोलेगा? कौन आंखें खोलेगा? अंदर आंखें खोल के देखो हम कहां मरे फिर रहे, हम तो नामों की पूजा में डूब रहे। नाम मिट्टी के हैं और मिट्टी आई मटके चली गई, हम उसके झंडे उड़ाए करते जय करा बाबा दयाराम जय करा। अरे बाबा एक पकलो छे जी साहब की छुट्टी, उनमें ही सब बाबा दयाराम समाए गए। सूर्य के अंदर सब किरने हैं, तुम किरणों की परछाइयों को पूज करके परम धाम जाना चाहते हो, अपने को धोखा ना दो। साहेब दिया सुहाग दिया किसको? कामरे को। इस प्रकरण में तीन तरह के कामरे है, एक वजूद है सबसे पहले, फिर एक शरीर का लिबास है सबसे पहले, और उसके बाद गुण अंग इंद्रिय है। एक को पकड़ लिया नम्रता को, वो सब दिया ठीक है, अब आओ सबसे पहले ऊपर की छिपाई को। इस प्रकरण के शुरू में उससे पहले जो आपको नुस्खा बताया है, जिस बार वो नुस्खा नहीं अपनाओगे अर्थ के अनर्थ करते फिरो। पकड़ो के भाई, श्री महामत कहे महबूब जी क्या मोहे खेल दिखाया बुजुर्ग बड़ा, तुमने गजर का खेल दिखाया राज्य महाराज यहाँ, और तुम्हें पहचानना यही कठिन काम है, बाकी सब पहचान में आ जाएंगे, तुम्हारी पहचान नहीं है, क्योंकि सब पहचान वजूद से होते हैं और तुम पहचान अंदर से होते हो, मरे तो जाए कहां पर? क्यों वजूदों में आ जाना है गुरु सामने, और गुरु ही सबसे उस धनी को गुरु मान करके ही इंद्रावती बाद में रोती है पतित शिरोमणि कि मैंने सबसे बजर लेप जो है पाप क्या कर दिया, कि थे तो धनी मेरे और मैंने क्या बना के रखा कि ये मेरे सतगुरु है। सतगुरु बना के रखने से सदा हम उनसे दूर रहेंगे, ज्ञानी लालाई थोड़ा सा जाकर फिर सोएंगे घर चल के। हाँ कोई बात नहीं, 85 साल की उम्र होने वाली है जब हम और आप तो शायद पहुंचेंगे भी नहीं बाउंड्री तक भी उनके, घबराना। ध्यान दीजिए सुंदर साहब जी, बहुत गहरी चुभाई है और गहरी, ऊपर आराम से शुरू करें कारी कामरी से। ये प्रकरण कब हुआ? जब दिल्ली के अंदर देखा कि मौत सामने खड़ी है, औरंगजेब के जुल्मों से सितम का जमाना था। अगर कोई हिंदू मुंह से खाली मुंह से मोहम्मद अल्लाह या कुरान का नाम भी कह देता था तो गर्दन काटने का कानून था, इतनी जबरदस्त उस समय हिंदुओं को पना करने का एक समय था। ऐसे जमाने में रखो जरा हाथ कलेजे पर, सुहागिन बनने चले थे बारह मोहन, क्यों साहेब चाहता मेरा खामन चाहता ये काम कर, बात खत्म हो गई। ये है सुहागिन शुरू हो गया, 3,000-2,500 की जमात दिल्ली में इकट्ठी थी, सब भाग गए, 12 जने रह। जब ये पता चला कि औरंगजेब के पास कल जाना है और स्वामी जी ने कह दिया मौत आ सकती है, जिसने मरने से डरना है वो पहले तक हो जाओ, बाद में ये ना कहना कि हमारे से सलाह लेनी है, हाथ तो सुनने, क्योंकि अब हरी सभा में हम किसका हाथ खड़ा करें, कौन नहीं खड़ा करेगा।
इतने तो देखो सारे हाथ, जिस काम के देखो मैं अभी हाथ खड़ा करा देता हूँ और कल उसका रिजल्ट देख लेना। 3 साल से गोष्ठियां चल रहे हैं, सब हाथ खड़ा कर करके जाते हैं, जय कर रहे हैं, मार मार के जाते हैं, अगली बार हम राइट टाइम आएंगे, पर राइट टाइम आए दिन तक आए ही नहीं। इतना सा काम जब हाथ उठाने के बाद हम नहीं कर सके तो मौत के तख्त पर छूटना खाला जी का घर नहीं था, सब मोमिन भाग गए। बड़े बड़े डिंगू एवं कंधा जी वगैरह सब भाग गए, पंडित लोग सब भाग गए, क्योंकि हिंदुओं के दायरे में रहे इसलिए सुहाग प्राप्त हुआ नहीं, रंड में रह गए नाट। ये है स्वागन बनना। अब यहाँ स्वामी जी हिंदू नहीं बने हुए, साहिब बन चुके। साहिब कब से? मेहते के, बोलो बोलो, मेहते के बाद क्या थे? यहाँ लोग ईश्वर का इलम कभी जहर नहीं हुए, कभी जहर नहीं हुए। परमधाम से हिंदू नहीं आए, कोई हिंदू है बता के बताए कि हिंदू परमात्मा जो है हिंदू है, परमात्मा जो है वो हिंदू है। लाइए शास्त्र, लाओ वेद, मैं से आके बात करूं। शर्मा जी से पूछ लेना, कोई वेदों में ऐसा लोगों ने उन्हें पढ़ा कि पारब्रह्म हिंदू है? हिंदुओं ने पारब्रह्म को हिंदू बनाया और मुसलमानों ने अक्षरा देव को मुसलमान बना रखा है और सिखों ने उसको सिख बना रखा है, जैनी ने उसको जैनी बना रखे, से कोई स्वागत है ही नहीं। कामरी स्वागत, ये सुहाग दिया कामरी सुहागन, सुहागन किसने बनना है? इस देश, जब ये देश सुहागन अंगना पना स्वीकार करेगी तो मायके घर के रस्मों रिवाज लोक लाज सब छोड़ेगी, पति का पड़े। अब पति कुल का मालक है और जो सुंदरता तारतम लेने के बाद भी रामकृष्ण या एक देवी देव के पुजारी हैं, वो अभी तक सुहागन नार बने। अब सोचो भाई को सुहाग दिया साहेब ने और कामरी सुहागन, ये सुहागन और फिर ये भाव किससे आने अंदर? जो आत्म है, उस दिन से वो आत्म जो है जितनी भी कार्य पद्धति हिंदुओं की है या मुसलमानों की है या सिखों की है सब छोड़ दी, के लिए केवल 12 सुहागन नार बने, बाकी भाग गए कि ना बाबा ना, हमें हिंदू रहना है, हम शास्त्र नहीं छोड़ सकते, हम कृष्ण नहीं छोड़ सकते, कृष्ण वाले योग माया से आगे जा सकते ही नहीं, क्योंकि कृष्ण जहाँ है वहीं तो जाएंगे, कहीं योग माया में राम वैकुंठ में, और वो भी राम को कोई पहचानेगा तब ना, राम नाम नहीं है, राम विष्णु भगवान का अवतार है। अब विष्णु भगवान का तो कोई पूजन करता नहीं, राम और कृष्ण के दिन रात चक्कर में लिपटी गए, तो कबीर कहता जो इन मुर्दों का पूजन करे उनका डूबे वंश करो पूजा, करो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कोई न राधे है वैकुंठ में, ना कोई कृष्ण है, ना कोई राम है, ना कोई सीता है, वो मट्टी थी मर गई, वहां विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण है, उनका कोई सुमरण करे वैकुंठ का सुख प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ हम रो रहे अपने गुरुओं के नाम को, कोई बाबा दयाराम जी के पीट रहा, कोई बैठ के राम रतन लाल जी के नाम को पीट रहा, घबराना ना, मेरे भी वही कलेजा चाहिए चर्चा को सुनने के लिए और कलेजा चाहिए चर्चा को सुनाने। कोई सुंदर साथ नहीं कह सकता कि कभी भी हमने व्यक्तिगत नाम लेकर के महाराज जी के कभी जयकारा बोली, जब तक वो तन था मेरे साहिब का था तब तक मुझे सब सुख थे, उसके बाद जब साहेब निकल गया तब से मत, आज आपने ये कपड़े पहने जब फट जाएंगे फिर लीलन तो भी को ले जाओगे, फिर इन प्रेस करोगे लीलन कपड़े सब रहे। फिर उनको क्या बना लोगे, क्यों आंखें नहीं खुलती अभी? जब तक वो तन श्रम नहीं है, तन से कुछ मतलब नहीं, तन वो मेरे धनी का है, इसलिए हमें प्यारा है, इसलिए हम चुनते हैं, इसलिए चरणों में झुकते हैं, बाद में इसी चरणों में क्यों नहीं झुकते, मट्टी है, कब आंखें खुलेगी, कब आगे कदम बढ़ाओगे, नामों को पीटते रहोगे, पीटते रहो मर गए चले गए। मोमनों के तन परमधाम में मुझे कोई सुंदर चाप ला के बताए कि फला पंक्ति में राम रतन बैठे हैं, फला पंक्ति में रामदास बाबा दयाराम बैठे हैं, फला में सीताराम बैठे हैं, तन के नाम आत्मा पिया के पास जागो
आगे बढ़ो, ना जा कह जाए तो मिट्टी पूजो, मैं मना नहीं करूंगा। ये तो स्वभाव ही नहीं है कि हम किसी को शरार से हटाए, समझाना पड़ता है। अब यहाँ पर ब्रेक लग जाती, निकलेगा कौन? जो परम धाम की आत्म होगी, जीव मर मिटेंगे वो कभी उस लकीर से हट सकते नहीं, ये वाले में लिखा है। यही तो मैं कह रहा जीव की और ईश्वर की ब्रह्म की ब्रह्म चिंत में ब्रह्म से की समझाएंगे, ओहो हम भूल पाते, ये असल रास्ता है। अब क्या यहाँ पर कमाल है, दो चपहियों में वो संबंध आता है जब मोमनों ने सब कुछ चुका दिया, उसके बाद 8 महीने तक न औरंगजेब ने बात की, पूरी रिपोर्ट उसके फाइल पर चली गई। दुख इस बात कर रहे थे चर्चा बीतक के बिना, क्यों इतने सालों तक बीतक का जोर रखा कि सुंदर साथ बीतक को समझेंगे तो मेरे वाणी को समझना कठिन होगा नहीं। पर मुझे ये आज पता चला कि लोग सुनते सिर्फ उसी प्रसाद तक ही है, उसके बाद भूल जाते हैं। 200 बार यहाँ बैठे सुंदर साथ इन प्रसंगों को सुन चुके और उसके बाद आज कहते हैं जी वो असफल वापस आए। बोलो मैं क्या करूं, क्या कह रहा है? सफल आए सिर झुका के आए, भीतर साहब का पन्ना जाके पढ़ो जब 12 मोमिन जाते। शेख इस्लाम ने कहा हम स्वीकार करते हैं इमाम अली आ गए और आ गए, यही हुक्म था कि उनको जाके पैगाम दे, उन्होंने मान लिया। उसके बाद आगे चल के आता है कि उस समय दजाल औरंगजेब के दिल में बैठ गया, बेईमानी बैठ गई, क्योंकि उसके सामने थोड़ी देर तक बातें तो हुई, उसके बाद कुरान से बातें कर ये मौका आया नहीं। अगर तो कुरान से बातें हो जाती तो आज खेल खत्म हो गया, औरंगजेब की आत्म जागृत हो जाती, पर उस समय वो बात बनी नहीं। वो आगे अगर इसलिए वो बात नहीं बनी क्योंकि अभी तक सारे मोमनों की इच्छा खेल से पूरी हुई नहीं थी, इसलिए रात रखी कछु खेल के, ना कि औरंगजेब को जगाना स्वामी जी ने, तो बहुत मुश्किल था। पर हिस्ट्रीकार लोग इल्मी लोग वहां स्वामी जी को जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने ये कदम उठाया मुंह से बात करने से पहले लैंग्वेज को भाषा को तो लो। क्या राजीव राय प्राणा जी ऑनरी मैन, इवन You are using these words, lowest word, third class word, सफलता। अरे जिनके एक सत अंग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनके मिटते हैं, वो आज एक पलक का इशारा कर दे तो सारा ब्रह्मांड खा रहेगा। अजू ढील बीच देखा, क्या ढील देखी? कि अभी सारी परमधाम की आत्माओं की इच्छा माया से तृप्त हुई नहीं, और वक्त आखिर के त्राही त्राही ऐसी मचा डालेंगे, केवल ब्रह्म सृष्टि ही आखिरी सीन में दुखी होगी, दुनिया सुख में बैठी होगी। इस समय जितना दुखी ब्रह्म सृष्टि ने होना है उतने मजे दुनिया को मिलने, सबको धनी ले चलेंगे करके इत खुशहाल, तुम्हें नहीं तुम्हारे खुशहाली वहां है। अब मोमिन क्या समझे, लिखा क्या है करके तो खुशहाल मर गए। अरे भाई किसको करके खुशहाल, तुम्हें तुम्हारी खुशहाली माया में है क्या? अर्थ तुम उल्टे लगाओ, झूठा वाणी को कहो, तुम्हें अब तड़पाया जाएगा। इतने संकट में उन पर आएंगे कि चीखे मार मार के रोएंगे, शायद कई ईमान भी छोड़ जाए। किनको इस समय निकालना है माया में से? जीवों को निकालना है, जीवों को तो एक सेकंड ही लगना उठा के योग माया में नया तन दे देना, निकालना जिसे है उसे कहां से निकालना है? माया में से। तो माया में से जब बाहर निकालेंगे तो माया छोड़ने की पीड़ा, मान शान गुमान से निकलने की पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कौन सहेगा? जीव सहेगा? तुम सहोगे, तुम रोओगे, तुम तड़पोगे, और क्या कहोगे? देवी देवता को मानने वाले मौजे लूट रहे, दिन बरात हमारे ऊपर ही संकट है, और आने छियानवे खत्म होने से पहले वो दुर्दशा हो जाएगी, स्थान में मिट्टी से मारू कर। और बोलो क्या चाहते हो? सफलता होने के बाद जब 12 ही मोमेंट रह गए, ध्यान देना 8 महीने तक ना तो औरंगजेब ने अब कभी बात सुनी, ना काजियों ने बुलाया। जब ये जब कुरान में लिखा है कि पर्दा रोज आ गया है 11वीं सदी आगे, तब इनसे बात क्या करें? तब मोमिनों ने चिट्ठी लिखी स्वामी जी को, कि भाई अब हमारा
जो काम का आपका हुक्म था वो पूरा हो गया है, और अब ना ये चर्चा सुनता ही शेख इस्लाम औरंगजेब हमको बुलाता है तो जो हुक्म हो किया जाए। लेकिन हम घबराए नहीं, हमें तो जब तक हुक्म था हम बैठे हैं क्यों, अब तो कोई चौकी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, हम बाजारों में घूमते फिरते आनंद मंगल है। जहां जाते हैं हमें यही कहा जाता है ये इमाम मेहंदी के लश्कर के लंगर नहीं, लश्कर लश्कर उर्दू का शब्द है, उसको सेना कहते हैं, यानी ये इमाम मेहंदी की सेना है, साथी है, ये कह के हमें पुकारते दिल्ली में हम इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी कि अभी जो काम औरंगजेब वाला है उसको ढील है, तुम अब आ जाओ, लेकिन बगैर छुट्टी के बगैर नियंत्रण। औरंगजेब से क्या कहना कि हम जा रहे हैं अपने इमाम मेहंदी साहब के पास। तब शेख इस्लाम के द्वारा मोमिन बख्श को औरंगजेब ने बुला के विदा दिया और रस्ते की 100 रुपए की खर्ची भी दी। तब लेकर के वो औरंगजेब वहां आए। अब वहां बैठे थे पंडित हिंदू मुकंदू जैसे, जिनको आज मानती है प्रणामी साहब छोटे मुकंदास, जितना दुखी उसने किया था पंडित के चोले में उसने सारी वित्त के अंदर किसी ने नहीं। अब आपको बता वो 12 मोमिन सुंदर साथ भी इतना शब्द नहीं सह सकते, जरा सी सेवा के अंदर बेइज्जती हो जाएगी गोष्ठी तो घर बैठ जाना उसके अंतर से ने बड़ी दूर दी कर। अगर तो आदमी ने अपमान कर भी दिया तो बस यहाँ यही लेने आते हो, इज्जत लेने वाले भाई यहाँ ना हो, हर बार कहा जाता है जब तुमने जिंदा नहीं मारना, जीवते मारिए आपको शब्द पुकार, अगर घर मरेंगे नहीं मोमिन तो जीवड़े नहीं मन में, जीवते मारने का क्या मतलब है, जैसा ना बेइज्जती हो रही कोई परवाह नहीं, किसी ने अपमान कर देता है कोई डर नहीं, पल्ला जा रहे किसी ने मुंडे ने कुछ कहता है कोई डर नहीं, ये चीजें जो दुनिया को मान के बैठी है मोमिन इनसे पदे पर है, ये करने यहां अब मुख जैसे वो 12 मोमिन पहुंचे और आपके पैगाम दिया। अब बोलो हमें स्वामी जी उनको कितना प्यार किया, एक आंसू गम के होते हैं और एक आंसू खुशी, मोमनों का वापस इतराज लौट के आ जाना समझी के आंखों से आंसू बहुत प्यार। अब उसके बाद पंक्ति लगती थी तो मुकंदा जी ने सबके अंदर आग क्या लगा दी, इनकी पंक्ति में ना बैठा करो, इनको पंक्ति में मत बिठाओ क्योंकि ये तो पक्के मुसलमान होंगे, साल वहां पर रह के इसलिए हिंदुओं की पंक्ति लगा लाया करें। अब आप बताओ हम ठीक है क्योंकि घर का जो भी झोंगड़ा होता है हर कैसे जमाना जाए, अरे ऐसा सुनाते हैं हमें बड़ा गुस्सा है। स्वामी जी के गुस्से का परिचय कराने जा रहा हूं, अक्षातीत पार ब्रह्म जिस स्थान में है, दिल्ली के अंदर केवल लाल दास और गोवर्धन दास की छोटी सी खत पर कोई खास विशेष बात भी नहीं थी। गोवर्धन दास डर गए जब सुना के कुरान के अंदर तुम्हारे परम धाम का ही वर्णन है, तो लाल दास को क्या कह दिया, लाल दास ये बातें स्वामी जी को ना कहना नहीं तो मरवा देंगे, मरवा ये बता लेंगे उसको। लाल दास के इमाम के पक्के रहे, क्या हुए गोवर्धन दास तुझे शर्म नहीं आती, आवासी बंदर से लाखों की जदा तू बेच बूझ के घर बार छोड़ के आ गया संबक, अभी तू स्वामी जी को कहता उसे बताना नहीं, मतलब एक इंसान की तरह तो डील कर रहा है। इतने बाद आगे लाल दास ने स्पष्ट कह दी कि स्वामी जी हमारे बलबूते पे कोई काम लेके ना चल रहा, क्योंकि हो सकता है आप हमें बुलाओ 10 बजे आना, तब 9 बजे तक नींद भी करते रह जाए, तो मुर्दों के सहारे ना चलना, किसी जिंदा मर्द के कंधे पे हाथ रखना जिसका रात कभी नहीं चला, और पहुंचने तक ही 3 घंटे लेट जो करेगा राजी का काम करेगा, मुंह काला करेगा अपना भी राजी का, जिनको लगी नहीं आज वो क्या जाने आशकी होती क्या, अरे अक्षर तीज की आशकी करनी खिलवाड़ नहीं, एक टीनिया तो हमें मार रही है छप्पर, जरा उन आशकों की भी हालत देखो किस तरह से खलड़िया पुराते हैं एक संसार के जीत के, हमें और सब ठीक। स्वामी जी को पता चला, लाल दादी ने कहा कि इसे चटाई पर सुने आप हमारे प्राण न, अपराध में हम नहीं करनी तुम्हारी निंदा, सब समय के हमारे ऊपर हाथ रखना, आओ अक्षय तीन तरुण का जोश
इनके जहां मैं दिन भर रात मर रहा हूँ, आज का खजाना इनको पिला रहे, और ये मुर्दे के मुर्दे ही रहेंगे। तातम सबको मिलने, ये ना सोचना कि मैं बाकी इनको तातम मिल गया। आज जनता क्या चक्कर तलाक करे कैसे बना भी, अरे तातम मिल गया तो टिकट है ना परम धन की, हम परम धन चले जाएंगे। तातम सारी दुनिया के लिए आया है, परम धाम की आत्माओं के लिए तारतम नहीं आया, परम धाम की आत्माओं के लिए उनका धाम का धनी खावंद आया है। नाम दुनिया के लिए आया, अब तुमको किसी ने बताया नहीं तो दोष बताने वालों का है, और बुद्धि तुम्हारी पर बंदी खा रहे कि आज दिन तक पहचाना नहीं कि तारतम का अर्थ क्या है। तारतम का अर्थ है धनी से पालव बांधना, दुनिया से नाता तोड़ना और धनी के संग जोड़ना। ये हो जाए तो समय लेना कामरी सुहागन होगी। ये कामरी भी सुहागिन है, जब तक ये शरीर है बोलो है सुहागिन के नहीं, ये सुहागन है, ये है सुहागन। अब उसके बाद ये चीज आई क्योंकि मुकंदास जी ने सबके अंदर फैला दिया, और बेचारे मोमनों के साथ कोई पंक्ति में बैठ के खाना ही ना खाए, अब समझ के सामने बात चली गई क्या भाई क्या बात है, तो सबने बता दिया जी ऐसे ऐसी बात है मुकंदा जी ने अच्छा बोला। मुकंदा जी तो अपने सुंदर साथ थे ना, बिठा दिया लाइन में उस दिन, फिर रात को लाल दास को बुलाया कभी पता कर जरा कितने कनाई मिल सकते हैं, उतने धोतियां साथ है और वो सब ये है दुखी होकर के अपने रूप को क्रूप किया। अक्षाती को नम्रता नहीं थी ना, इसलिए आंखें फाड़ के जरा अर्थ निकालो। सब स्वामी जी ने वहां पर नम्रता धारण की, अक्षरातीत नम्रता धारण था वो हरे मोमनो, और वहां तुम्हारी जवान और वहां तुम्हारा मथन है। अक्षरातीत पार ब्रह्म को गुण अंद्रियों को अभी निर्मल करना पड़ेगा है? क्या बोलती है आप लोग खड़े होकर पटर 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 बोलने वाले, उसका नाम है जवान को जरा तोल के जरा करो कि हम किन के प्रति क्या शब्द निकल रहे हैं। मोमनों के अवगुणों को निकालने के वास्ते दुखी होकर अग्नि दिल में आ गई कि इन कंबक्तों के अंदर भी अभी तक हिंदू मुसलमान चल रहे, इनके अंदर भी अभी छोटी जाति बड़ी जाति पड़ी हुई है, तो कौन दुनिया को फिर एकरास करेगा। ओ भाई निजानंद संप्रदाय बड़ा कठिन मार्ग है, आयशा बहन जी गा रही थी बड़ा कठिन है डगर पर हमारा यही रास्ता, संभल के कदम आगे रखना। जो अभी तक भी इन बड़कों की आज हमें बढ़िया से तमाम का मेला करना है, आज हमें फलाना करना है, मरते रहो इन्हीं में सड़ते रहो, चलो अब आखिरत की रीले आ गए, सब को छोड़ना पड़ेगा यहीं पर, चल सको सो चलो, नहीं तो कहना ना कि छुड़ाया नहीं था, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, एक को पकड़ आ गया वक्त से नहीं कहना बताया ना, इतने दिन तक हमारे साथ मनाते रहे ना और हंसते भी थे जाके, अच्छा भाई इसका मतलब 12,000 मोमे होंगे तो उनके 12,000 मेले में लाओ, धनी के पास जाओ ही नहीं, और अगर एक को पकड़ लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, सब आत्माएं कहाँ जाएंगे। जो कभी कोई आगे चली पहुंची जमी इन पांचों मिले, पांचों में नहीं, और रू छोड़े ना अपना असल रू तो पाल गए अपने धनी के चरणों में, तुम उनकी मट्टी के भंडारे करते हैं। सम्मेलन एक काफी होता है और उसमें धनी का ही नाम लेकर के सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये है सुंदरता जी ऊपर की भाई, श्री महामती कह रहे महबूब जी मुझे खेल दिखाया बुजुर्ग बहुत बड़ा, बहुत बुजुर्गी वाला राज्य महाराज आपने ऐसा दंड फंड पेचदार खेल बना दिया है, अच्छा अब खेल की बातें छोड़ दो मेरे साथ जरा मेरे महबूब मीठी बातें, ऐसा चित्र बना दिया है क्या बताएं। अब वहां पर जो है उनके अवगुण शरीर के पहले निकालने हैं और फिर गुण अंगियों के निकालने, इसलिए दो जपियां तो शरीर के रास्ते कही। के स्वामी जी ने जब देखा कि मुकंदा जी को तो अपने छाक बार के शाले दुशाले थे, तो सबकी एक विनम्रता वाली फेस ना, कि आज एक ढोंगियों की कबड्डी की टीम चल पड़े भगवे वस्त्र और हमारे गुरु महाराज हो गए, पकड़ पकड़ के उनको सीधा करो ना कि उनके चरणों में मत्था टेको, मत्था टेकने वाले ऐसे ढोंगियों को पापी हैं जो समाज का सत्यानाश करवा रहे। उन्हें बताओ जी कहां लिखे
यही हमारा भेष है समझने का। अधीर बीजिए धन धन और अरब करे मारू भी धन धन हुए, यही हमारा भेष, हमारा यही भेष है। स्वामी जी ने चार बार आके भेष दिया, सबसे पहले नीच जाति के अंदर आए, ब्रज के अंदर अधीर जाति सबसे शेड्यूल कास्ट होती थी उस समय, शेड्यूल कास्ट हुई। यहां लिए बैठे हो वाणी को मथन कर रहे हैं, कृष्ण कन्हैया अधीर था शेड्यूल कास्ट था, संधारण के अंदर राज्य बनाए बैठे हैं के गर्गाचार्य के नाम वाले तन को हमारा से कुछ मतलब है। ब्रज वधुओं ने पहचाना, स्वागन बन गई और बाकी ने कामरी पैरी, अरे बोलो तो सही, कामरी पैरी ब्रज वधु, ब्रज की वधुएं जो थी हमारी परम धाम की, उन्होंने छोड़ दिया लोकला कर्मकांड सब कुछ बांसुरी बजी पिया के पास। अगर कहें जी गरीबी नम्रता ये सब कुछ, तो जितना धन ब्रज के अंदर था उतना शायद सारे ब्रह्मांड का टोटल लगा ले कंप्यूटर से तो थोड़ा है। जितने हीरे ज्वारा नवमित सिद्ध अष्ट आगे थे ना ब्रिज में, उतना इस समय धरती पर नहीं है। पढ़ो जरा भागवत के भेदों को समझ। और अब पट पैरे खाए सीखना, ये कहां लिया? ओ मुकंदा जी, ये मुकंदा जी पर पकड़ पट्टी करी वहां पर और ले गए दस और सुनाई सबको। सबसे पहले मुकंदा जी को कह दिया भाई आज यहां से सफेद वस्त्र धारण, और किसी ने देखना हो कि उस समय मोमनों की पोशाक क्या थी। बात ये है करें क्या इन गादी पतियों ने, मैं डरता नहीं था, असल तीनों का नाश ही कर दिया था। पता नहीं कहां कहां से जाके वो उस समय की चीजें मिल रही है महाराजा छत्रसाल जी के महलों के अंदर से, ओरिजिनल पेट्रोल स्वामी जी की मिली, सबके रखी आश्रम में इस समय सारे मिली छपवा दी ओरिजिनल। स्वामी जी के ओरिजिनल स्वरूप को देखो, देखते ही रहे। और नेपालियों ने छाप दिया तुर्रा तर्रा, और हमारे घर में प्राणनाथ बन के फोटो लगी पूजने। सोचा करते थे कि स्वामी जी का ये भेष नहीं, ये तब का एक भेष बनाया गया, कहना नहीं चाहिए। 1958 में भंडारा हुआ, मैं चंदी हूं तो उनसे पूछ लेना, अभी जिंदा ही कहीं शायद दिल्ली में कहीं मिल जाएंगे। एक बर्तन बेचने वाले व्यापारी को बुलाकर ये पोशाक पहनाकर फोटो खींची हुई है जो तुम्हारे घरों में प्राणनाथ बन के पूज रहा है, और इसीलिए हमने केस किया था कि प्रूफ करो ये प्राणनाथ जी का फोटो कहां है। पर मुर्दा समाज ने हमारा साथ ना निभाया, साथ उन झूठों का निभाया, चुप रहना पड़ा। केस से इनकी जमानत ना होती, इतने झूठे आरोप इनके ऊपर लगे हुए थे। और वो तब तक व्यापारी जिंदा था, किरको भाई जी मिल भी आए थे और उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया एक बार कोर्ट जाने का लिया करूंगा, हमने खा देंगे फोटो में लाई जाएगी भैया प्राणनाथ। ये कहर बरसा, हम लोगों ने सहन किए, क्या क्या बातें बताएं हम चीजों की, वो मैं कहने के लिए नहीं बैठा। अब फोटो लेनी हो आ जाना, किसी घर नहीं भेजे, फिर आके पहचानना महाराज लाल जाति की पोशाक क्या है। तुर्रा जो पाकिस्तान में हम लोग पहले से पढ़ लिया, और नीचे हिंदुओं का भेष है, ना तो पता चलता है हिंदू है और ना पता चलता है मुसलमान है, क्योंकि मतलब क्या है। और स्वामी जी का भेष देखा कभी, नीचे से तो धोती है और ऊपर जैसे ईरान और अफगानिस्तान के आते हैं ना ये मुसलमान, और सिर पे रुमाल दुपट्टा और ऊपर दो माल देखी, वो करो क्या करोगे। पड़ोदरा से भेष कैसा धारण किया उदयपुर के साल के अंदर, कि इनको कोई हिंदू ना कहे और इनको कोई मुसलमान ना कहे। इसलिए जब पन्ना जी पहुंचे तो नाम क्या दिया कि ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान हो, ना तुम शर्मा हो ना वर्मा हो, आज से तो परम धाम के धामी हो। तो वो अवगुण निकालने के लिए, और ये पट पहले खाए जितना जो लाल मुकंदा जी क्या था कि नहीं, जो मेरे परम धाम कमावे हैं जिन्होंने मेरे साथ रहना है उनको मेरे जैसा भेष बनाना है, बाकी सावधान भाग जाओ। पड़वानी डिटेक्टर सुनो, सब रोए धोए हुए वही साफ लिखती, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, रोए धोए। अब लालदास वगैरह और उन्मारा मुंडो कहता जो उन्होंने जिंदा ही अपने का शीश काट रखा है बाल कटवाने में क्या थे, अरे जिन्होंने धनी के चरणों में शीश रख दिया, फिर मान कैसा कुमान कैसा इज्जत कैसी और क्षण कैसी। ब्रह्म सिद्धि की पहचान इस समय क्या है, ढूंढे अपने आप को।
ढूंढे अपना घर, ढूंढे अपने खसम को, और ढूंढे वक्त आखिर के कौन सा पद आए कि हे धनी हम इस मुर्दार से छूट करके गए अब निज घर को चले। हमें तो अभी दुनिया की सारी बेइज्जती हो गई, हाँ ये हो गया, हो जाने दो ना, जो कुछ होता है जल्दी जान छूटेगी यहाँ से। सुंदर साहब जी, एक तो कामरी क्या है, शरीर तारतम देने के बाद संसार के ऊंच नीच गरीब भाव मोटे छोटे का मान रखना नहीं, हम सब एक धनी के अंग हैं, ये है। और दूसरा, अब दूसरे कामरी क्या है, ये नम्रता वाली और ये संसार के चटक भटक को छोड़कर जाना भंडारों पे है और बारह बारह किस्म के वहां पर फैशनों की शीशियां ले जाएंगी। सोचो कहां जाना है, क्या इन्हीं चीजों में गर्क रहना है दुनिया में? जिन चीजों में रहोगे तो बोलो तुम्हें निकालेगा तो, जिनका सुहाग छीना होता है, जुदाई की हुई होती है, उसकी आंखें सुनो जाके किसी तड़पती को जो दिन रात पिया पिया से चिल्ला रही है मेरे धनी क्या होगा सुंदर दास को, निकालो इनको और ले चलो ले। और जीवड़े किसको सारे है नी, तुम उड़ा कितने सारी लिया है, चमड़ में भी लिया था जो उनको ये आग लगी, लेकिन आए बैठे बीच में सुंदर दास के, तो क्या वो परम धाम जाएंगे ना? ये है यहाँ नंबर, एक तो भाई काफी है पट पहने, बस काफी पट पहने का अर्थ क्या, पट उस समय रेशम को कहते थे, तन ढकना है बस इतना मतलब होना चाहिए। और जिस परम धाम में जो कुछ तुम्हारे पास है ना, दुनिया को सपने में मिल भी नहीं सकता, सारी दुनिया मिलके एक पोशाक परम धाम जैसी बनवानी चाहे तो बना नहीं सकते, अक्षर ब्रह्म भी चाहे तो नहीं बना, इतना कुछ है। अरे सपने के अंदर आके मुर्दारों के साथ मिलकर तुम्हारे स्वभाव खाना पीना पहनना सब कुछ मुर्दारों जैसा हो रहा है, कब निकलोगे इनसे, कब इन चीजों से निकलोगे? स्वामी जी ने वहां पर सरकार के सबको एक जैसा किया, अब कोई टोटी नहीं किसी की, कोई जनेऊ पनेऊ नहीं, कुटुंब गोद सीधी साधी धोती, एक तरफा अंगूठा, लो भैया बर्तन, गिलास के नहीं लुटके नहीं, कद्दू होता है ना कद्दू, उसके आपने काले काले तुम्बे देखे होंगे, दो दो दे दिए, एक जंगल दिशा के लिए, एक पानी पत्त पीने के लिए, उसको पीठ पर रखो हाथ में, और हाथ में दिया तुम्बा, कहना भाई जिन्होंने प्रणाम चलना मेरे साथ वो तो ऐसे पकड़े पहलो रखे, और बाकी जने जाओ प्रणाम। तब लादा जी कहते हैं सुंदर साहब जी करे क्या, कहते ले भाई अब यहाँ से गए तो बड़ी बेइज्जती है, घर वाले क्या कहेंगे, और जा और जा और जा, ऐसे भी बीच में खड़े रह गए जिन्होंने देखा देखी कर तो ली हाँ, पर झुके नहीं, तब समझने का अच्छा इनका अब रगड़ा पट्टी करता हूँ मन सौ ले जाके, मंद खुदे पर में तो खाए कपड़े ही पहनाए थे और मंदसौर में क्या भेस बना दिया, मैं भीख मांग के लाओ, भीख मांग के लाओ, और वहां मिला करना मैं पहले खाऊंगा, अब भीख मांग के ले चुप्पे से ला के रख दिए, अब ये नहीं भी चुप्पे से ला दे, हाँ भाई बोलो भाला खड़े हो गए, ये किसकी झोली है, जिनको नहीं पता कि ये भीख मांग के लाया है उनको भी जरा करते थे, ओ हसब के मामल से खड़े होने लगे, हिंदू बहुत कम है उस समय क्योंकि केंद्र की छावनी थी औरंगजेब की। अब खैर स्वामी जी कहते हैं पता मैंने तुम्हारी ये हालत क्यों की है, ताकि खानदान की इज्जत के सहारे तुम न जियो, दुनिया क्या कहे, खानदान वाले क्या कहेंगे, अब तुम्हारे खानदान वालों को पता चला गया वो तो फकीर बन के भीख मांग रहा है ताकि तुम्हें घर जाने की जरूरत ना पड़े, लोक लाज का आसरा खानदान का आसरा, मेरे पिताजी क्या कहें, हमारे बड़कों की तो यही शांति, मर गए पढ़ के चले गए, हमने बड़कों के पीछे नहीं जाना, दुनिया से उल्टी रीत है सुंदर दास जी आत्माओं की, और इसीलिए आज दिन तक दुनिया का कोई जीवड़ा भाव से पार हुआ नहीं। आज भी जितने लोग हैं हम क्या किसी को कहें, हमारे ही सुंदर साहब आत्मा के लिए नहीं, हमने उसी तरह से जैसे मुसलमान लोग कब्रों में चादर चढ़ाते हमने भी पलंग और कब्रों की चादर मान रखे, ये काम हो जाएगा हम भी चादर चढ़ाएंगे, ये काम हो जाएगा हम भी चादर, लाइन लग रही है वहां के पीरों मुर्शिद साहब चादर ही पकड़ के पलंगों पर डरा रहे हैं, चर्चा के दो शब्द नहीं आते,
ऐसी दरगाहों पे जाना, ऐसे मेलों पे जाना, अपने को नरक का रास्ता दिखाना थे। आज चर्चा का रूप और होगा, सुन सको तो सुनने आना। आखिरी दिन लग गई, कहना कहना बताए, गलत रास्तों को छोड़ना और फिर इसका फरमान ले लो, आकाश की राशि खोल लो और तीसरा प्रकरण ग्यारहवीं सिपाही पढ़ लो। स्वामी जी ने साफ लिखा है कि हे धनी, जन्म अंधे जो हम होते हैं, सोच सुनते कि हम जन्म के अंधे थे, तुम्हारा पीछा स्वम न कर सके, धम बिहारी जी के पीछे लग गए। जब देवचंद जी ने शरीर छोड़ा तो बिहार की गादी पर बैठे, तो इंदिरा जी कहती है हमने गादी की पूजा शुरू कर दी, तब तुम जान अपना कर रहा और उस पूजा से हटा करके अंदर बैठ के वाणी की पूजा सुंदर सास को दे दी। सुंदर सास जी पढ़ो वाणी को, तब पता चले कि इस वाणी के अंदर रखा क्या है, खाली धोखा देना। ए सत्यवाणी मत के, बस वो भी यहाँ के सत्य के लोग चपाई दे देते हैं। लिमिटेड पांच सुंदर सास है, कांता बहन जी, किरण मेहता, बालकृष्ण, विजय और डालिए। अब दूसरे तीसरी बार क्या, बाकी का राज्य से कुछ मतलब क्यों भाई? जब तुम्हारे घर शादियां होती हैं देवर के, तब तुम्हारे गिद्धे और नाचने किसको नहीं आते? स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता, गीत होएगा, गीत रात 10 बजे गीत होएगा। और वहां देखा करो ये सारे गुंगू नाथ नाचते कैसे, और ये वाले देखो फिर जरा प्रातों में इनके जलवे क्या होते। राजी के दो शब्द बोलने में कौन रहता है, ना कोई बेइज्जती होनी है, ना कोई तुम्हारे से पतुल्ले जो इनको पांच को मिल रहे पिटाई हो रही है ना, कि तुर्रा मिल रहा है, लेकिन ये मार खा जाएंगे, सिद्ध जी के रास्ते पे चले जाएंगे। ये गलत बोल रहे हो, ठीक बोलो, सब सुंदर सा ट्राई करो, वाणी का टीका तुम्हारे लिए हुआ, इन पांच के लिए तो नहीं हुआ। क्यों नहीं वाणी पर तैयार बैठ कर, कोई तुम्हारा नहीं है इस वाणी के बिना। ये बता दूं आपको, मत बोलो कि गुरु तुम्हें घर से पार करे, ना किसी ने गुरु, खुद ही नहीं घर से कोई पार हुआ, तुम्हें कौन पार कर देगा? क्योंकि जब वो खुद ही सुहाग की साहेब की सुहाग नहीं बनी, तो तुम्हें कौन घर से पार करे? ये वाणी करेगी, सात चरणों में आया सही पिछले कारण, सुंदर साथ जिसने अभी तक प्रतिज्ञा नहीं की वो कर लो, कि कल से मैं वाणी बैठ के मत सुन। ये वाणी पार ब्रह्म की, किसी गुरु की बनाई हुई नहीं है, किसी गद्दी की बनाई नहीं है, किसी देवी देवता के कहे हुए शब्द नहीं है, स्वयं धनी जी लाए धाम से। ये वाणी समझ आ जाने के बाद दुनिया की ताकत नहीं है तुम्हारे ऊपर दुख डाल जाए और तुम्हें जो है भर से पार ना होने दे। और ये नहीं समझ आती तो स्वामी जी ने कह दिया, भाई बुरा भी ना मानना, किसी को अगर मेरे शब्दों कहे से दुख हो गया हो तो माथे ले से देने कहूं तो वही बीजा मां कर जो दुख है, जाओ तुम्हें तुम्हारी माया में मरो, जन्म नरकों में जाओ, हमें क्या लेने देने भाई, हमने कहूं से तुमसे कोई तनख्वाह बांध रखी है। एक दर्द है प्रीतम का, जो सुंदर साथ होगा आत्म ब्रह्म धाम के उसको चुप जाएगी, सुहागिन बच जाएगी। और संसार के खाने पीने ऊपर का सार क्या है, तीन कमियां थे, एक तो है अखीर भी धन धन, क्यों राजी महाराज आए और वही भाव लिया, किनको पकड़ा जो परम धाम की आत्मा थी, और जो ब्रिज गोकल के रहने वाले थे उनको भी भाव सागर से पार करके अखंड कर दिया, दो लोक में आज भी थे। फिर अर्ब में गए तो अर्ब में क्योंकि परम धाम जाहिर उस्तान ने आके किया, उनको तीसरी विष्ट में रखा है, कृष्ण से भी ऊपर बैठा है। मोहम्मद साहब की उम्मत, मोहम्मद साहब की उम्मत का मतलब जो समय के जीव थे, आत्मा नहीं थी, वो जीव तुम्हारे कृष्ण से ऊंचे बैठे। अच्छी तरह से आज झंझोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को छोड़ के मोहम्मद साहब की बताई हुई नमाज को बोलो गुजारा, उस समय शरीयत का हुक्म था, तो उन्होंने वहां पहले क्या था, यहूदी लोग थे, देवी देवता का पूजन होता था सुंदर साथी, और मूर्ति पूजा की प्रतिष्ठा होती थी। आज भी जाओ जिस समय मुसलमान हाजी जाते हैं तो मक्के के अंदर इनकी आंख पर पट्टी बांधी जाती है, किसी हाजी से पूछ लो, वहां शिवलिंग रखा हुआ है, क्योंकि अबू जहल जो वो बादशाह था और वो देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा कराते थे। अब मोहम्मद साहब का वो जन्मदिन है, जन्म स्थान है, और बाद में जो है मदीना बना, वहां अल्लाह की पूजा शुरू करें। तो उस वक्त जिन्होंने अबू जहल को छोड़कर
और मोहम्मद साहब के फरमान पर अल्लाह ताला के नाम के सजदे बजाय वो तुम्हारे कृष्ण से ऊंचे बैठे हैं तीसरे विश्व में, इसमें खुलासे में आठ विश्व हैं, जाके पढ़ लो। जिन्होंने उनका फरमान माना वो, इसलिए जो जीव यहां भी बैठे हैं और राजी की वाणी पे चल देंगे वो सातवें विश्व में जाएंगे सारी दुनिया से ऊपर, जहां पैगंबरों का स्थान है, पढ़ो ऊपर निकल जाएंगे, गुरुओं से आगे निकल जाएंगे। जिन्होंने इस फरमान को पकड़ लिया, ये किसी व्यक्ति की मनी नहीं, ये व्यक्ति को धनी लाए और हर एक के दर्जे बताए कि जीव भी जो है संसार के गुरुओं से और इन देवी देवताओं से आगे निकल जाएगा जो धनी के फरमान पर खड़ा। वो सुहागन नार बन गया अध्ययन के साथ। हम आए दिन तक तारतम लेके भी सुहागिन नहीं बने और धनी ने हमको सुहाग नहीं दिया। सुंदर चाहते हैं बद्रीनाथ जाते, क्या वो सुहागन हो गए? सुहागिन वही है आदर सबका करे, पूजन बोलो एक, पूजन एक का, आदर सबका, सब देवी देवता है बराबर से आदर करो निरादर नहीं, लेकिन पूजा नहीं, पूजा एक की, क्योंकि परमात्मा सबका एक है और वही मेरा सुहाग है, मैं उनकी अंगना हूं। ये बात आगे तो ये कामरी हो गई सुहागन। अब जब ये कामरी सुहागन हो गई और उस दिन पता चल गया कि मेरा धनी असल परम धाम में बैठा है, तो दुनिया अगन लगेगी कि नहीं? क्या हार श्रृंगार पर अच्छे लगेंगे? क्या इनके पीछे हम भागेंगे या उस परम धाम की तड़प हर वक्त दिल में रहेगी कि हम किस मिथ्या कर रहे हैं, किसके लिए हम रोते रहते हैं? ठीक है तुम साथ था, देख लिया शरीर से बच्चे कच्चे हो गए, बैठो होने एक तरफ, चलो धनी के राह पे तैयार। ये है कामरी का स्वागत होना। और जब ये चीज आ जाएगी तो बोलो पति साथ होगा तो थोड़ा गौरव होता है, पति कहीं तो, पत्नी जंगल में तड़पती हो, ठीक है आए हैं भाई हमारे साथ हैं, नम्रता आएगी कि नहीं, गरीबी आएगी कि नहीं? क्योंकि ये गुण अंग इंद्रियां ही हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा सबसे बड़ा क्या है? नम्रता। बस झुक जाओ, झुक जाने का मतलब क्या है? अपने आप को मार दो, मैं खुद ही अहंकार को छोड़ दो। उसके लिए स्वामी जी ने वाणी में कहा श्री महामती कह मोमनो सुनो मेरे वतनी यार साहेब करावे कुर्बानियां आओ, मैं खुद ही को मिटा। किसी ने कुछ कहा ना, कहने तो क्या लिया, मानो किसी ने तो गाली भी दे दी, किसको लगी? जब तक तुम्हारे अंदर मैं खुद ही अहंकार है तब तो लगेगी, और अगर मैं खुद ही अहंकार को मार दिया तो क्या क्या होगा भाई? इनकी भाषा की परीक्षा हो रही है, इनके मुंह का पता लग रहा है कितना प्यारा बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मानो किसी ने मेरी मैं मुझे गाली मां की निकाल दी तो मेरी माता जी को क्या होगी? सोचो विचार करो ठंडे दिल के साथ, केवल भाव तुमने मेरी जो कह रहे गाली दे रही वो मेरा अहंकार बोल रहा, उसकी गंदी भाषा है, गाली किसी को लगती नहीं है। हम लोग अहंकार के पुतले हैं, मान में डूब रहे, शान में डूब रहे, जरा किसी सुंदर साहब ने दो शब्द कह दिए, कहना नहीं चाहता। ये चीजें मेरे सामने आती है, आ रही है, आज भी आई थी, आज भी सुंदर साहब को समझा के आया, अरे किसी ने कह दिया तो घर बैठ गए, क्या ये उसके बाबा का घर है कि इसको छोड़ दे? उसको प्यार से समझाना बेटा, ना भाई ऐसा हमारा काम नहीं है, तुम हमारे सुंदर साथ हो, सुंदर साथ के शराब पे नहीं चलना, बजाय समझाने के घर उठ के बन लेना, ना सुंदर साथ जी अपना कुछ गवा जाओगे अगर धनी के चरणों से जुदा हो जाओगे। आगू बोले बुजुर्ग सराही साधु जन, सारे बुजुर्ग का मतलब क्या है? शास्त्रों में ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि जो काम दुनिया वाले नहीं कर सके वो कौन आके करके बताएगा? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वो जिंदा मारेगी आपको शब्द पुकारा तक, और फिर क्या करेगी कि जो आज दिन तक जितने भी संसार के देवी देवता आए हैं किसी को एक रास नहीं कर सके। अगर ध्यान देना, सिखों के अवतार आए तो वो खाली किन के बने? सिखों के बने। हिंदुओं के अगर आए आज हिंदुओं के बन के रह गए, और अगर मुसलमानों के आए तो मुसलमानों के बन के रह गए। केवल प्राणनाथ है जो ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है ना किसी जाति सिखों का है, वो तो सबका एक है। ये है जो हमारा सुहाग है, मेरे साहब का सुहाग ये है, और वो मैं सुहागन बनूं
तो वो कर्मकांड, वो शाल दुशाले, वो जनेऊ और टोपियां स्वामी जी ने उदयपुर कटवा के मोमनों को एक रूप दिया कि आप ना तो हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना जाति पाति, कोई मतलब नहीं, परम धाम में सबकी वाहिदत खिलवत में वाहिदत, हक की अर्श की खिलवत में हक की, यहां को करके बताया ना वाहिदत कितनी वाणी से सुंदर शादी अगर देखा जाए। राज्य महाराज जो कुछ कहलवा रहे हैं कहकर होता भी हूँ, बोलो क्या इससे ज्यादा कोई सख्त और प्यार भी साथ साथ हो सकता है? किस लिए बताओ ना, किस लिए, किस लिए? एक सत्य कि सुंदर साथ अभी बहुत माया में पिछड़ा हुआ, अरे हम नहीं कहेंगे सुंदर साथ के दूसरे के वचन तो कौन से? तब मोमन एक दूसरे को इतनी सेवा, देखो राज्य ने चाहा तो फिर भी तक कोई अवसर मिलेगा फिर एक एक शब्द सुन इस वास्ते, जो प्रकरण मिलता है, जो चपई मिलती है, पहले तो उसका पहला पिछला प्रकरण की चपई पकड़ो, फिर लिंक जोड़ो, फिर उस चपई को जोड़ो कि यहाँ क्या निकर्ष है। अब देवचंद जी ने रू अल्लाह पहनी अंदर और हुई नहीं जाए, क्या क्या तो वो केवल हिंदू बने के दायरे में रह गए, सुहागन नहीं बन सके, मुसलमानों को किसी को नहीं मिला सके साथ, इसलिए जाहिर नहीं हो सके और ना सुहागन चला, इसलिए बुद्ध जी बने, नेक लंक नहीं बने, सैकड़ों जब यहां स्त्री से ऊपर आती। अब मोहम्मद साहब क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने परम धाम देखा और यहूदियों का यहूदी पना हटाया और उनको मुसलमान शरीयत ये मोहम्मद साहब ने नहीं बनाई, ये इन कार्यों ने, अब जो उत्पटांग चर्चे कर रखे हैं ना, ये सब इन्होंने बनाए। कुरान में कई ऐसी बातें ने लिखी जो ये लोग करते फिरते, उन्होंने सबको हटाकर किसके ऊपर सजदा भिजवाया? बोलो, परम धाम के ऊपर सजदा भिजवाया। और बाई चांस बात आ गई, ये जो तीन मेरावे बनाते हैं तो ये बड़ी मेराव जो है ये परम धाम के मुख्य द्वार की है और साइड की दो द्वारे सात वाले कमरे हैं। तब कहा कि अल्लाह ताला की चौखट है, इस पर सजदा भिजाओ। उन्होंने ये जो मेरावे बना रखे हैं ना, परम धाम का मूल बाहर का मुख्य द्वार का नक्शा है, उसके ऊपर जो सजदा भिजवाया जाता है। राज्य महाराज की पूजा सिखवाई है, ना कि किसी को मुसलमान और हिंदुओं के विरुद्ध में, ये सारी यही चीजें तो मिटाने के वास्ते स्वामी जी ने बारह मोमनों को औरंगजेब को जाकर के भेजा और लाल दास जी ने खली उतार के कपड़ा और उससे कहा शेख इस्लाम से सुप्रीम कोर्ट के जज जाता, ये बता तेरे कुरान के अंदर कहां लिखा हुआ है जो अल्लाह मोहम्मद के ऊपर विश्वास रहा है तुम उनकी खलड़ी उतारो, जरा बता क्या तेरा मोहम्मद यही कहता है? सिर नीचा होकर रो पड़ा। ये भी चिकित्सा के शब्द है, कोई ऐसी चीज कुरान में नहीं है और कुरान का अब हिंदी टीका हो चुका है, पढ़ के देखो तो तुम्हारी भी आंखें चले। सारे ग्रंथ हमको प्यारे हैं, कौन कौन सा चैप्टर प्यारा है जहां पर मेरे राजीव राय के रूप की पहचान है, इसलिए स्वामी जी ने कहा या कुरान या कुरान, एक कागज दो, परमात्मा हमें प्यारे हैं, हमें गीता प्यारी है क्योंकि उसमें पुरुष की पहचान देती है, हमें भागवत आदरणीय है क्योंकि अखंड वृंदावन की सारी और हमारी ब्रज के राज की लीला का वहां वर्णन आता है। इसी तरह बाइबल की भी हमें प्यारी है, उसके अंदर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और सातों दिन के निशान उसके अंदर भी लिखे हुए, कुरान में हमारे सारे भेद लिखे हुए, हमारे गुआ सारी दुनिया को एक रस कैसे करोगे सुंदरता जी? हम सुंदरता की एक रस नहीं हो पा रहे, शरीर के गुण अवगुणों को मत देखो, खाली पढ़ते रहना अवगुण कारे। अच्छा भाई तो सबको याद है, अमल कौन करेगा? अरे भाई मानो किसी से अवगुण हो गया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ और कह दिया, तो छोड़ दो, निकालने का करते है छोड़ दो, गुण करो और हारे से हो कौन हारना चाहते हैं, हम उसके घर से पढ़ाई खाते हैं, होगा बहुत तो वहां का होगा, बस बन गए सुंदरता। सुंदरता तो ये भाषा तुम्हारी सुनने को मिलती है, ये रहनी लानी है, यहाँ नम्रता की जरूरत है, यहाँ गुण अंग इंद्रता ला करके जो है, तब तो समझिए क्या घर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक? फिर क्या कहा हो रही है रेणु, क्यों जो झुक जाता है सारे गुण अंग इंद्रिय उसके बस में आ जाता है, जो झुक नहीं सकता गुण अंग इंद्रिय उसके बस में आ जाता है। ये गुण अंग इंद्रियों को मारने के वास्ते और फिर परमाणु के लिए तो सारे ग्रंथों ने पुकारा है। अभी एक बहन सुना रही थी, इतना चुप जाओ जैसे धूप होती है, क्यों सारे जने धूप पर जाते हैं तो सबकी चरण धूली कौन लेता है? बोलो सबकी चरण धूली किसको मिलती है? बहन बोला यार हरी हरी खाए उसे चल जरा बूट ला आराम न चलिए, बूट लाए चरण धूली कौन ले गए? मैं झुकने वाला थी
कंधोली लेता है और कंधोली में बहुत बाल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। नम्रता सीखो, प्रेम सीखो, ये शरीर क्या वो है, और वो सुहागिन जो है वो हमारी नम्रता सुहागिन नहीं है, नम्रता कामरी नहीं, कामरी शरीर है। फिर दूसरा, संसार के खाने पीने इन चीजों से बाहर आके एक रूप में जो स्वामी जी ने कराया उसको कहा है, तो उसके अंदर फकीरी। फकीरी का मतलब क्या है, फकीरी क्या है, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े फकीर घूम रहे हैं, और देखो जरा उनके चालने, और देखो उनके खाने पीने, और देखो उनकी सारी चीजें। फकीरी का मतलब क्या है, ताकि तुम्हारी दृष्टि अच्छे अच्छे कपड़ों में पड़े नहीं। कई साल पहले मैं चर्चा सुनाया करता था, मैंने आंखों से देखा कि हमारे आश्रम में जब सुंदर शादी करते होते हैं, बाई चांस राज जी कृपा से फॉरन के लोग भी आते हैं, बड़े बड़े शहरों के भी आते हैं, बेचारे गरीब भी सुंदर सा जाते हैं, अब जिनको अभी तक वाणी की पहचान नहीं, पड़क से अपने जो है गांव से पीछा के बैठ ऊपर चढ़ी आती है, क्यों, उन बेचारों की साड़ी छोटी हल्की और मैंने पहन रखी 3000 की, तो साड़ी तो प्यारी है पर सुंदरता प्यारा नहीं। ये चीजें निकालने के वास्ते स्वामी जी ने सबको सम भाव, सम प्रेम, सम रूप बनाने के लिए उदयपुर में सोचा कि भाई अगर मैं नहीं ऐसी साथ रहूंगा तो ये के तो कहेंगे दादी हमें तो कह दिया स्वामी जी ने आपने बना, क्योंकि जब आदमी अधिक साथ रहता है तो उसको फिर शरीर के अवगुण बहुत जल्दी नजर आते, फिर वो अंदर की चीज को नहीं लेता, घना सस्ता बन जाने के कारण यही होता है कि वह लोगों को फिर शरीर ही नजर आता है, अंदर की शक्ति नजर नहीं आती। इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया, शीशे के कुंडल डाले, माला डाली, तूंबा लिया, रुस लिया, और कह दिया जो मेरे साथी हैं ये बड़े कपड़े पहन लो, और जिन्होंने शाल विशाले पहने निकाल जाओ, ये शरीर का उगुण निकाले। फिर भी कहीं उन्होंने क्या यार क्या करें, और घर जाके क्या करेंगे, बात तो स्वामी जी साथ रहते, दुकान पे आई जाती थी, उन्हीं को कहा अच्छा भी कब तुम भीख मांगते लो चलो, और भेजा भी कहा जहां मुसलमानों के इलाके थे, हाँ मुसलमानों का लाए तो सबसे पहले खाते थे भाई। अक्षर तीज पार ब्रह्म के वास्ते हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है, दिमाग से सोचो, ये है निजान अनुसार बन रहा है जो सबको एक रस करती है। और प्रैक्टिकल देखना तो देख लो महात्मा गांधी को, कौन सा हथियार लेके महात्मा गांधी घूमते थे, क्या राम के पास ये भाषा थी, क्या कृष्ण के पास ये भाषा थी, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम कहां से लिया, स्वामी जी की वाणी से लिया, क्यों उनके माता जी बचपन से ही मिले करके जाते थे, और गांधी पिक्चर जिन्होंने देखी हुई उन्होंने साफ, महात्मा गांधी जी ने कहा अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रेंड को जब पोरबंदर के किनारे पर वो बकरी को जो है पट्टी लगा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भाई ये सब कुछ मुझे हिंदुओं के अंदर एक प्रणामी धर्म भी है जिन्होंने ये सब कुछ सिखाया, मेरी माँ बचपन से उस मंदिर में ले जाती थी जहाँ का पुजारी कुरान से भागवत और गीता से रखे एक परमात्मा की पहचान कराता था, पर उस समय हमारी समझ में बात है आती नहीं थी, अब समझ में आने लगी। सुंदर साहब की ये उस पार ब्रह्म का ज्ञान है जिसके लिए दुनिया बिलख रही थी, और फिर सबने भविष्य के गुणों को सराहा कि जो ब्रह्म शक्ति आएगी अभावी नो भविष्यंति मुनियों ब्रह्म रूपना, ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, वो परम धाम की ब्रह्म शक्ति हो रामनाथ बन के दिखाओ दुनिया को, तो इस वाणी को सिद्ध करोगे ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समान, ब्रह्म समान बनना है तो लिखी फकीरी ताले में हमारे हाथी के आओ उस रास्ते चल। फकीरी का मतलब ये आप आटा मांगने वाला नहीं, फकीरी का मतलब है सिंपल सिटी, साधारण वस्त्र पहन, क्या जरूरत है मुर्दारों की तरह जा जा कर कितने धन को बर्बाद करते, तन भरो पेट भरो बस, ज्यादा इन चीजों से जैसे जैसे छूटते जाओगे वैसे वैसे चित्त राजीव राय के चरणों में लगता चला जाएगा, और जितना संसार के नए विलासों में पहुंच जाओगे उतना धनी से दूर हो जाओगे। ये है पट पहने खाए चीखना हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जत आई सब मोमनों ने, जिन दुनी गरी मुर्दा, जिन्होंने मोमनों के अंदर भी जिन्होंने दुनिया को इस तरह कर दिया उन्होंने हक की लज्जत यही पर ले ली है, और जो उसमें लगे रहे भले मोमिन है हक की लज्जत नहीं दे सकते। आज का विषय वैसे तो बहुत को प्यारा था, तीन प्रकार के अर्थ कामरी के हैं, आप फिर सुन लो, पहली कामरी क्या बनी तन, दूसरी कामरी क्या कि ये जो गुण अवगुण निकाल करके एक रूप सिंपलिसिटी, स्वामी जी ने सब शाल दुशाले वगैरह उठाए, वहां ये नहीं कि उनके जो है वो किया, ताकि सब एक रूप समभाव
ताकि ना किसी को देखना पड़े ए यार पेंट का कपड़ा किदा ले ए साड़ी किदा ले कोई किसी राज होना के देखना ही ना पड़े। एक जैसा रूप, एक जैसा भाव, एक जैसा प्रेम, विनम्रता, एक दिली। कहने का मतलब सौ बातों का क्या, एक दिली, एक भाव, एक प्रेम, एक रूप, एक बात। और दुनिया की बातों से ये अब आ जाओ तीसरी विनम्रता वाली, झुकना। ये कर उसने मान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, किसका मान किसका अपमान। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। मुझे कार निकाल दी, बस ये थिंकर है तुम्हारी। कहने बड़ा प्यार किया भाई, गाली को निकाले का ऐसा हुआ भाई, बड़ा प्यार किया तुमने, एक बार और प्यार करोगे, एक गाली और निकालो, मुझे बहुत नीची लगी, डूब के मार देगा इसमें। समझने की बात, महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को सिखाया क्या था, प्राणनाथ जी की यही काली कामरी सिखाई थी, जो एक थप्पड़ मारे तो याद है तेरे मार, अर्थ क्या है, डूब के मर जाएगा। ये है क्या अंदर हमारे गुण है, जरा किसी ने अपमान कर दिया, दो महीने से हम आ ही नहीं रहे गोष्ठी पर, वाह रे मोमनो वाह, बदलो। एक समय बड़ी ही है जिंदगी को सुधारने के लिए, पट पहने खाए सीखने वाला। तीनों कामरियां आपके सामने, एक शरीर, शरीर से कामरी का मतलब क्या है, सुहाग दिया साहेब ने कि उस साहेब की मैं अंगना नार सुहागन बन जाऊं, और सुहागन बन के अन्य किसी की पूजा करनी, जिन्होंने करनी हो वो तो कह दो, जिन्होंने नहीं करनी वो धीरे से कह दो, वो जिन्होंने करना है कृष्ण को राम को नहीं छोड़ना वो ना कहो, बड़ा कठिन रास्ता है ये, नगर बड़ी कठिन है। अभी गाय धन जिन्होंने उस धनी को अंगना भाव से सुहागन, ये धनी दुनिया में रास्ता नहीं है, नवदा से न्यारा है भाई, दुनिया की बस्तियों से बाहर है, ये परे का मार्ग है। फिर जिन्होंने उस परे वाले साहेब की पहचान करके आत्म से धनी के साथ नाता जोड़ लिया, तो फिर उस दिन के बाद यदि किसी और की तमन्ना वो रखती है तो वो क्या बनेगी, वैसे हमारे फिर वो पतिव्रता थोड़ी, पति चाहे गरीब है चाहे अमीर है, संसार वाला भी, तो क्या हम गरीब पति को छोड़ के किसी और को पति बना सकते। और ये पति कौन है जो अनादि अक्षर तीत पार ब्रह्म सब विद सामरस है, उस धनी को भी छोड़ करके फिर यदि किसी की तमन्ना किसी और पर है तो फिर वो स्वागत नार में गया। यह काम स्वाग दिया, ये किसने दिया, साहेब ने अपनी अंगना जानकर मेरा बाजू पकड़कर चरणों में लिया, ये सुहाग दिया साहेब ने। और कामरी अब जब तक संसार में थे तो बोलो हम उसी भाव से सुहागनार के भाव से राज्य की अर्जी विनती भोग सब करते हैं कि नहीं करते, बोलो। हम इस शरीर के द्वारा भी जो कुछ कर रहे हैं राज्य का एक अंगना भाव से करते हैं कि नहीं करते, तो कामरी सुहागन होगी कि ना होगी। ये एक कामरी, सबसे पहले कामरी का अर्थ ये, फिर दूसरा क्या है, एक भाव, सिंपलिसिटी, ज्यादा तर्क भड़क और इन चीजों में नहीं, जिससे किसी प्रकार का एक ये, और दूसरा ऊंच नीच जाति पाति के भेद कभी भी सुंदर साथ में लाने, बोलो ये काम है। एक भाव, कोई जाति पाति का भेद नहीं, इंसान सब एक है और परमात्मा सबका वन है, सब गॉड, तो ये है दूसरी काम। और फिर तीसरी है शरीर के अवगुणों को हटाकर अहम को मिटाकर नम्रता का लाना, ये थी आज के दोस्ती। और ये जो कुछ भी राज्य मराई के कहलाए से दो शब्द आपके चरणों में रखे, बस इतना ही स्वीकार ही। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। Oh, yeah.
Bye.